Please subscribe my channel. Hello friend, ये है हमारे last year राजस्थान की book है, NCERT की book है। NCERT का syllabus 8 से 9 राज्यों में चलता है। इसका syllabus है वो CBSE वाला। ये NCERT ही CBSE की books है जो UP board, बिहार board में चलता है। ये English वाली book है, वो रियल नंबर, पोल नंबर, ये हिंदी मीडियम भी है। पहला पार्ट का वास्तविक संख्या है, ये हमारा लास्ट ईयर था। ये पार्ट हमारे लास्ट ईयर था। त्रिकोणमिति परिचय 8वां पार्ट, जो हरियाणा बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, वहाँ अभी भी ये बुक चलती है। और CBSE में पूरे भारत में चलती है ये बुक सबसे ज़्यादा। अगले साल शायद चेंज भी हो सकती है, ये वाला कोर्स चेंज होने के पूरे चांस है अगले साल। तो ये वाला बुक है NCERT का, और ये है हमारे राजस्थान की बुक है। जो इस बुक में है सेम के सेम चैप्टर इसमें भी है, बस इनका कुछ क्रम चेंज कर दिया है, रूल्स चेंज कर दिया है। ये हमारे यहाँ का बस ये एक चैप्टर नया आया है, वैदिक मैथमेटिक्स, जो हमारे 8-9 में था। ये है 8-9 की बुक्स है ये, जिसमें वैदिक मैथमेटिक्स था पहले। तो ये देखो यहाँ पर, ये शायद 2008-9 का कोर्स था, ये 4-5 में ये कोर्स था। ये वाला पूरा 11 चैप्टर फर्स्ट में थे और 14 चैप्टर सेकंड में थे। बिंदुपद यहाँ था आपके, इस बिंदुपद को हमारे राजस्थान बोर्ड में लेके आ गए। ये सारा कोर्स, इसमें से कई ऐसे चैप्टर हैं, जैसे ये एक नया आई है मसव लसव क्या करना बहुपद के, ये भी ये चैप्टर इसके अंदर साथ में जोड़ दिया, वो व्यंजक वाला, व्यंजकों का मसव लसव निकालना। तो ये चैप्टर इसमें नया जोड़ दिया, मतलब के यहाँ का ये सेकंड चैप्टर और यहाँ का ये फोर्थ चैप्टर, ये द्विघात समीकरण, ये चैप्टर और ये वाला बहुपद के मसव लसव, ये तीनों चैप्टर जोड़कर इसने एक नया चैप्टर बनाया, उसका नाम है बहुपद ये वाला। फिर बाकी का ये वास्तविक संख्या सेम है। यहाँ इसमें जो क्वेश्चन है, ये CBSE वाली NCERT वाली बुक्स है, इसमें पहला पार्ट है, इसमें दूसरा है, क्वेश्चन सब सेम है, कोई चेंज नहीं है। बाकी का सारा कोर्स वही है, ये बिंदुपद नया ऐड कर लिया, एक ये चैप्टर में कंस्ट्रक्शन नया ऐड कर लिया, पुराने वाले जो लास्ट जो पुराने बुक्स में था कंस्ट्रक्शन, यहाँ जो रचनाएँ थी ना, ये वाला पार्ट इन्होंने ले लिया, पुराना पार्ट जो इसमें मेरे पास पूरी है नहीं कम्प्लीट, वरना मैं आपको इसमें बताता कम्प्लीट। और इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी सब मैं बताऊंगा आपको। तो ये CBSE और NCERT सब बुक एक ही है, कोई चेंज नहीं है। और पहले मैं इसमें से बताता हूँ टॉप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये वाली बुक्स जिसके अंदर पहला पार्ट आपके ये वाला परिमेय संख्या 1.2 ऐसा क्वेश्चन है। तो इसमें देखो मैं सबसे पहले आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ, टॉप फाइव क्वेश्चन हर एक चैप्टर से। सबसे पहला चैप्टर है आपके वास्तविक संख्याएँ, जो NCERT की है, यही UP बोर्ड का है, यही बिहार बोर्ड का है, यही हरियाणा है, और भी अदर स्टेट का भी हो सकता है, और ये राजस्थान बोर्ड का भी यही चैप्टर है। सेम क्वेश्चन भी है, आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। ये रहा, ये सारे क्वेश्चन का नंबर चेंज कर दिया, हमारे राजस्थान बोर्ड में क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें तो इम्पोर्टेंट क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट तो पहला क्वेश्चन ही है, आपको आना चाहिए यूक्लिड द्वारा LCM फाइंड करना आना चाहिए, एक ये वाला क्वेश्चन। अब ये वाले क्वेश्चन तो दे रखे हैं, लेकिन ये CBSE के लिए है, हरियाणा बोर्ड UP बोर्ड में बहुत कम ही आते हैं, बहुत कम चांस है, वरना हमें इन दो क्वेश्चन पर ज़्यादा ध्यान देना है। ये क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े हैं, काफ़ी टफ भी है, काफ़ी लंबे हैं, ये राजस्थान बोर्ड में भी है, लेकिन ये आते नहीं है हमारे राजस्थान बोर्ड में, तो 5 साल से ये क्वेश्चन आया नहीं, तो ये आते नहीं है। पहले ये था हमारे लास्ट ईयर, इस साल ही कोर्स चेंज हुआ है। तो मुझे ये दो क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगते हैं, इनका कोई मतलब नहीं, वेस्ट नहीं। ये भी इजी क्वेश्चन ही है, ये वाला सेम ही है। फिर है आपके 1.2 में से, इसमें से आपको केवल ये कर लो क्वेश्चन नंबर सेकंड, ऐसे वैसे हम फाइंड करना और साथ में इनको वेरीफाई भी करना। और ये आपके इसका SCF दे रखा है, LCM फाइंड करना है। अगर ये आपको आता है तो ये इजीली कर सकते हो, बाकी का कोई खास है नहीं। ये क्वेश्चन भी राजस्थान बोर्ड में आया हुआ है और CBSE में भी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। अब है 1.3, इसमें इम्पोर्टेंट है एक तो ये वाला,
जो ये राजस्थान बोर्ड के अंदर ये क्या नाम थ्योरम बना दिया। ये क्वेश्चन छोटा क्वेश्चन आ सकता है एक नंबर का, और ये वाला क्वेश्चन बड़े नंबर में तीन नंबर का। फिर है आपके 1.4, ये रहा, ये फिक्स से हर साल आता है एक क्वेश्चन एक नंबर का। तो ये चार पांच क्वेश्चन है, ये पांच क्वेश्चन आप अच्छी तरह से तैयार कर लो तो आपके पहला पार्ट कहीं नहीं जाएगा। अब है आपके सेकंड चैप्टर है बहुपद का। अब बहुपद में आपके जो इम्पोर्टेंट है, हमारे बहुपद में देखो पहला ही चैप्टर है 2.1, तो कोई काम का है नहीं, ये दे रहा ग्राफ कोई मतलब का है नहीं। फिर है आपके 2.2, इसके अंदर से आपको दोनों में से एक क्वेश्चन तो आपको तैयार करने हैं, दोनों ही बोर्ड एग्ज़ाम में कई बार आ चुके हैं। एक 3 मार्क्स का, तो ये 1 मार्क्स का, ये 1 मार्क्स का है और ये 3 मार्क्स का है एग्ज़ाम आता है, या फिर ऐसा कोई डिवाइड करना और वेरीफाई करना। ये रहा सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार आता है। तो ये वाली जो बुक्स है, ये क्वेश्चन ना, इसको वापस से यहाँ पर चेक भी करना। इसके अंदर आपके देखो ये और ये एक ही है, जो यहाँ भाग डिवाइड था ना, ये पहला क्वेश्चन वही सेम, दूसरा सेम, और ये एग्जाम्पल नंबर 9 सबसे इम्पोर्टेंट है। ये राजस्थान बोर्ड में भी है, इसके 2 शून्यांक दे रखे हैं, बाकी के 2 शून्यांक क्या करने हैं हमें ज्ञात करने हैं। ये सारा सॉल्यूशन मेरे चैप्टर मेरे यहाँ पर मिल जाएगा। फिर ये जो क्वेश्चन है ना, ये CBSE के लिए है इम्पोर्टेंट, और राजस्थान बोर्ड के लिए ये रहा क्वेश्चन नंबर फोर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 5 तो कोई काम का नहीं है, ये तो कोई काम का नहीं है, 3rd और 4th ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 3rd CBSE के लिए, और ये वाला अदर बोर्ड कोई भी हरियाणा UP बोर्ड हो उसके लिए, और राजस्थान बोर्ड के लिए भी ये वाले क्वेश्चन इसमें भी है, राजस्थान बोर्ड की बुक्स में भी है। फिर चैप्टर नंबर 3, अब चैप्टर नंबर 3 में आपके 2 टाइप के क्वेश्चन है। एक तो ये वाला इक्वेशन दी भी आएगी, आओ क्या बनाना है, ग्राफ बना देखो ऐसे। ये क्वेश्चंस ये राजस्थान बोर्ड में अभी आया था, हाफ ईयरली में हमारे पाली ज़िले में आया था, 5 पेन 7 कलम का मूल्य 50 रुपये, ये क्वेश्चन आया था। जब सब ज़्यादातर ने गलती किया, क्योंकि ये क्वेश्चन बुक में तो नहीं है लेकिन यहाँ दे दिया इन्होंने, इसलिए ज़्यादातर गलती किया। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों ही एग्ज़ाम आ चुके हैं बोर्ड में, वो भी 6 मार्क्स के। इसमें ग्राफ बनाना आना चाहिए, मेन इसमें ग्राफ है। ये वाले ऐसा इक्वेशन दी भी आएगी और आपको सॉल्व करना है। इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट है ये वाला है, सेकंड है या थर्ड है, एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, इक्वेशन बनानी पड़ती है और बनाने के बाद उसको सॉल्व करना पड़ता है। इसमें भी आपके ये तो है CBSE के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, और यहाँ ये भी हो सकता है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इन सबसे केवल ग्राफ बनाना आपको, एलिमिनेशन भले दिया हुआ है, प्रतिस्थापन विधि, ये बस केवल हाफ ईयरली के लिए होता है। और यहाँ इसमें भी देखो आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये वाला CBSE के लिए और UP बोर्ड के लिए, ये क्वेश्चन एक क्वेश्चन आएगा जिससे आपको इक्वेशन बनानी आनी चाहिए। ये मेरे पूरे वीडियो अपलोड किए हुए हैं तो वहाँ से आप देख सकते हो, और अगर इसमें से आपके नहीं आया तो उसके अथवा में आएगा ये वाला, ऐसी इक्वेशन दिया, एक क्वेश्चन ऐसा आएगा इसको सॉल्व करना है, 6 नंबर का आता है, इसको सॉल्व करना है, चाहे प्रतिस्थापन से करना है, चाहे विलोपन से, किसी विधि से आपको सॉल्व करना है और आंसर निकालना है। ये है, ये सब CBSE के लिए आपके ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऐसी प्रश्नावली भी आती है, लेकिन ऐसी प्रश्नावली मैंने अभी करवाई नहीं है, ऐसी प्रश्नावली CBSE के लिए होगी पता नहीं, हमारा राजस्थान बोर्ड में थी नहीं पहले। अब है द्विघात समीकरण, ये राजस्थान बोर्ड में चैप्टर नंबर 3 में आया हुआ है। इसमें आपको द्विघात सूत्र विधि द्वारा ये हल करना, सॉल्व करना। यहाँ देखो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आया हुआ है बोर्ड में कई बार, ये रेलगाड़ी का हमारे यहाँ बोर्ड में आया हुआ कई बार। 4.2 में से ये दोनों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे ये भी इम्पोर्टेंट ही है ज़्यादा आपको लगे तो। फिर है द्विघात सूत्र विधि द्वारा हल करना, इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये वाला है, और ऐसा इक्वेशन भी दिया हुआ आ सकता है, ऐसा सॉल्व करना,
या सबसे इम्पोर्टेंट ये वाला, सारे ऑलरेडी पहले ही मैंने बच्चों को इम्पोर्टेंट करवा रखे हैं, पुरानी है ये बुक, लास्ट टाइम मैंने इसमें से करवाए थे। ये दो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 17 और एग्जाम्पल नंबर ये 17 सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बस आपको क्वेश्चन बनानी है और सॉल्व करना। फिर ये वाला, इसमें तो कोई खास नहीं लग रहा मुझे, फिर भी आप चाहो तो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके देख सकते हो। फिर चैप्टर वाइज समांतर श्रेणी, अगर छोटा क्वेश्चन आए एक नंबर का तो वो ये आ सकता है, ये छोटा क्वेश्चन ए और डी याद करो, या ए डी दिया हुआ है तो आपको ए पी याद करना, कोई सिंपल क्वेश्चन एक नंबर का आए तो आ सकता है। इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट ये वाला है, बाकी तो कोई खास लगा नहीं मुझे। फिर है आपके 5.2 में से, यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है, छोटा क्वेश्चन बोले एक नंबर का तो ये रहा, या ये टेबल सबसे अच्छा है कि यहाँ तक करो मत 5-6 क्वेश्चन और केवल ये कर लो टेबल, टेबल टेबल में सब क्वेश्चन आ जाएंगे यहाँ तक कंप्लीट। फिर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एक तो ये वाला 7वां, फिर ये वाला है 10th तो काम का नहीं, इससे अच्छा तो आप ये कर लो, या ये CBSE के लिए ये वाला है, ये वाला तो अभी भी आया था 20वां पद याद करना अंतिम पद से, यहाँ तो दे रखा है अंतिम पद से 20वां पद याद करो, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। फिर ये वाला, इसके अंदर सुबह राव का बोर्ड में आता है 3 नंबर का क्वेश्चन। फिर SN में, SN में सबसे इम्पोर्टेंट है ये उदाहरण, ये लास्ट ईयर बोर्ड में भी आया था। फिर यहाँ पर अगर ये इतने सारे नहीं मिलाएं और केवल 3rd क्वेश्चन मिला लें तो सब प्रॉब्लम मिट जाएगी, फिर भी 3rd नहीं मिलाना है तो फिर ये मिलाओ। इसमें देखो ये तो है CBSE के लिए इम्पोर्टेंट, सब करवा रखे हैं मैंने कम्प्लीटली। फिर या तो ये क्वेश्चन है, ये वाला इम्पोर्टेंट है, और तो इसके अंदर ये वाला है लॉग का है, आलू दौड़ तो मतलब नहीं, मैंने करवाया है वैसे। फिर चैप्टर 6 में से, इसमें आपके 2 क्वेश्चन आते हैं, एक थ्योरम आता है एक क्वेश्चन आता है, तो या तो थ्योरम पर ध्यान दो या क्वेश्चन, दोनों में से कोई एक ध्यान देना है। तो सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरम ये रहा 6.1, जो हमारे यहाँ 11.1 है राजस्थान बोर्ड में, पूरी बुक्स राजस्थान बोर्ड में है ये कम्प्लीटली, उसका कन्वर्स भी आता है उल्टा। इसमें केवल इम्पोर्टेंट थ्योरम ही है। क्वेश्चंस में अगर देखें तो ये वाला, इन दोनों में से कोई एक, ये इसका उल्टा ही है, सेम है, इसको ट्राई कर सकते हो आप। फिर है 6.3 में छोटा क्वेश्चन आ जाए एक नंबर का, ये वाला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये डायग्राम वाला। फिर इसमें आपके इम्पोर्टेंस है ये 12 क्वेश्चन। फिर ये वाला है, और ये वाला छोटा क्वेश्चन एक नंबर में, फिर सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरम ये वाला थ्योरम, इसके क्वेश्चन भी आते हैं बहुत सारे, ये वाला ऐसा प्रूव करना, CBSE राजस्थान बोर्ड सब जगह है, इम्पोर्टेंट है। तो इसके अंदर तो क्वेश्चन है ना, ये राजस्थान बोर्ड में भी है ये वाला, तो ये वाला क्वेश्चन भी राजस्थान बोर्ड में है, और आपके दोनों के काम आ जाएगा। फिर थ्योरम में सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरम ये वाली 6.9 और ये वाला 6.8, ये 2 थ्योरम है सबसे इम्पोर्टेंट, मतलब कर्ण का वर्ग, पाइथागोरस थ्योरम है, बोधायन प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय ये वाला। फिर ये क्वेश्चन राजस्थान बोर्ड में 3 बार आया हुआ है, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन 6 नंबर का, तो ये अभी भी कई के हाफेली में आया था, भले बुक्स में नहीं था फिर भी आया हुआ,
एक और सबसे इम्पोर्टेंट, सीबीएसई के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर के अंदर आपके, एक तो ये वाला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, फिर है ये वाला क्वेश्चन नंबर 7th जो अब हमारे क्लास 9th में है ये क्वेश्चन, और यहाँ पर एक नंबर के क्वेश्चन में, यहाँ से यहाँ तक में कोई एक नंबर का क्वेश्चन छोटा क्वेश्चन बन जाता है, ज़्यादा नहीं है, कर्ण का वर्ग का सूत्र लगाकर हल करना है आपको सिंपल। फिर ये वाला, ये हमारे राजस्थान बोर्ड के मॉडल पेपर में दिया हुआ है, ये सीबीएसई के लिए आता है, बाकी का तो ये क्वेश्चन ज़्यादा अच्छे रहते हैं, ये वाले 13 है या 16 है, ये इम्पोर्टेंट है, ये सीबीएसई के लिए कर सकते हैं। फिर है निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट, अब इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट है, पहला तो आपके एक नंबर का छोटा क्वेश्चन आ जाए, दूरी ज्ञात करना है। फिर है ये वाला, ये दे रखे हमें बताना है कि कौन सा त्रिभुज है, चतुर्भुज कौन सा है, चतुर्भुज का नाम बताना है, समान चतुर्भुज है या आयत है या कैसा है बताना। फिर इसमें इन दोनों में से कोई एक, या तो एक्स अक्ष का आता है या वाई अक्ष का आता है एग्ज़ाम, बाकी तो इसमें है आपके 7.2 में, 7.2 में आपके जो इम्पोर्टेंट है, एक तो ये समत्रिभाजित करने वाला बिंदु, यही बताना, एक आपके इसमें ये चतुर्भुज समान चतुर्भुज के बिंदु दे रखे और हमें ये याद करना। इसके अंदर फिर आपको ये क्षेत्रफल ज्ञात करना, अगर ये नहीं करना चाहते हो तो ये कर लो, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, ये वाला 3rd और 4th। फिर चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति में छोटा क्वेश्चन देखना है एक नंबर का, तो वहाँ यहाँ से देख सकते हो, कोई भी एक याद करना हो, ऐसा एक ही नंबर क्वेश्चन नहीं है, ये वाला बड़ा आ सकता है 3 नंबर में। फिर टेबल भी आपको याद होनी चाहिए, ये टेबल आपको आनी चाहिए। फिर ये 8.2 में अदर बोर्ड के लिए है, ये वाले जो क्वेश्चन है ना, ये आपके सीबीएसई के लिए है। फिर ये वाला भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फिर 8.2 में छोटा क्वेश्चन एक नंबर के लिए, इसमें से कोई आ जाए तो। फिर है आपके इसमें ये वाला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये वाला भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ये दोनों 3rd और 4th, ये सिद्ध करना। फिर है 8.4 में, इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके, एक तो पहला एक नंबर का आता है केवल, मतलब सब नहीं करना है, केवल किसी एक मान को कॉट में या एक मान को किस सेक में चेंज करना है। फिर ये छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं एक एक नंबर के, उसमें आ जाए, ये वाला इम्पोर्टेंट 3 नंबर में ये वाला क्वेश्चन आता है, इसमें क्वेश्चन नंबर 5 सिद्ध करना है इसमें। तो ये सारे क्वेश्चन राजस्थान बोर्ड में भी है, ये 7, 10 वाला, ये वाला जो मैंने कल करवाए थे सॉल्व, ये वाला देख सकते हो, ये सीबीएसई के लिए सबसे इम्पोर्टेंट, सीबीएसई के हिसाब से जो बड़े बड़े क्वेश्चन है ना, ये वाले, या कह सकते हो ये एग्जांपल है 15 नंबर। और इसके लिए दे रखा है आपके, देखो ये इम्पोर्टेंट है, ये वाले तो बताया ना मैंने, ये सीबीएसई के लिए हार्ड क्वेश्चन, ये वाला ये आपको देखने पड़ेंगे, आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान लगाना पड़ेगा। फिर चैप्टर है 9 त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, इसके अंदर देखो जो क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट, एक तो ये वाला क्वेश्चन नंबर आपके 6, फिर ये वाला सड़क के बीच में 80 मीटर का गैप है, ये राजस्थान बोर्ड में भी है लेकिन उदाहरण में दे रखा है। फिर ये वाला 7 मीटर ऊंचे भवन का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ये राजस्थान बोर्ड में हर साल अर्धवार्षिक में आने वाला क्वेश्चन है,
और CBSE में वहाँ भी आता है क्वेश्चन ये राजमार्ग वाला और ये वाला, ये अभी इम्पोर्टेंट है राजस्थान बोर्ड के लिए। ये 3-4 क्वेश्चन आप अच्छे से तैयार कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। या फिर ये समझ लो, ये वाला हर चैप्टर में से 5-6 क्वेश्चन तो आपको तैयार करने ही पड़ेंगे। फिर व्रत वाला, व्रत के अंदर आपके इम्पोर्टेंट है एक तो ये वाला क्वेश्चन। अगर ये नहीं भी करना चाहते हो तो एक तो ये आपके ये आ जाएगा थ्योरम 10.2 इम्पोर्टेंट है, सिद्ध करो कि व्रत की स्पर्श रेखाएं क्या होती है बराबर। फिर ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान बोर्ड में भी आता है। फिर ये छोटे क्वेश्चन 1 नंबर में, ये कौन दिया हुआ है ये कौन बताना, ऐसा कुछ आ जाए। या फिर ये वाला, दूरी दे रखी है, स्पर्श रेखा दे रखी है और त्रिज्या ज्ञात करनी है। फिर ये वाला सीधा करना है कि ये AB प्लस CD बराबर AD प्लस DC, ये और ये एक ही। या ये कह सकते हो सिद्ध करो कि वर्त के स्पर्श रेखा मध्य बनने वाला कोण केंद्र पंतित कोण का क्या होता है समपूरक। ये भी मैंने बताया हुआ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्त और स्पर्श रेखा 13 चैप्टर है, यहाँ तो 10वां है लेकिन वहाँ राजस्थान बोर्ड में 13 क्वेश्चन। ये वाला भी मैंने बार बार करवा रखा है क्वेश्चन। ये चारों इंपॉर्टेंट है, इन चारों में से आपके कोई एक क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांस होते। फिर रचनाएं में देखो, ये तो आता है 1 नंबर में छोटा, और ये सब एक जैसा ही है, इनमें से कोई भी एक तैयार कर लो सारे तैयार हो जाएंगे। कंस्ट्रक्शन मैंने बनाया हुआ है, प्रकार चांदे से भी बनाया हुआ है, तो आप वहाँ से देख सकते हो। फिर ये इसके अंदर से जो इम्पोर्टेंट है, एक तो ये वाला है इम्पोर्टेंट, और ये है CBSE के लिए। इतना हार्ड क्वेश्चन आता नहीं, सबसे हार्ड क्वेश्चन यही है। बाकी क्वेश्चन तो आप ये देख सकते हो, ये वाला 3rd क्वेश्चन है या फिर 5th क्वेश्चन है, ये आप देख सकते हो, या 1 7th ये लग रहे हैं, बाकी बना के देख सकते हो। एक भी आता है तो बाकी वाले इजी हो। अब ये 12th चैप्टर, ये राजस्थान बोर्ड में चैप्टर नंबर 15 है, तो यहाँ पर सबसे 1 नंबर क्वेश्चन, इन दोनों में से कोई एक नंबर क्वेश्चन आता है। ये CBSE में आया था, वरना ये नहीं आता है रेड गोल्ड, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं बनता है, इतना बड़ा किसे सॉल्व भी नहीं हो, सॉल्व होने में भी आधा घंटा लग जाए, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते। फिर है आपके ये रहा, इसके अंदर आपके सबसे इम्पोर्टेंट ये एक ले लो, क्यों सब आ जाएंगे, चाप की लंबाई, चाप द्वारा त्रिज्याखंड और वृत्तखंड आ जाएगा। और एक ये वाला सबसे इम्पोर्टेंट जो आता है, कौन 120 डिग्री होता है, त्रिज्या दे रखी है, रमेश क्षेत्रफल ज्ञात करना। इसके अंदर ये मेज फोर्स का देख सकते हो, बाकी सब एक जैसे ही है, कोई खास है नहीं। फिर ये सबसे इम्पोर्टेंट ये एग्जांपल, फिर ये एक सवाल आता है ज़रूर आपके, छायांकित भाग ज्ञात करना। इतने सारे दे रखे ना, इसमें से एक छायांकित भाग ज्ञात करना आता है, ज़्यादातर चांस रहता है इन पीछे वाले क्वेश्चंस में भी। मैं से ही ये जो चैप्टर, ये जो भाग है ना, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, इन्हीं कंस्ट्रक्शन पॉइंट्स में से कोई एक आपके आ जाए एग्ज़ाम में। चैप्टर 13 में तो है आपके, जिसको फॉर्मूले याद है वो कर सकता है। अब फॉर्मूले में याद होना चाहिए, जैसे कौन कौन सा ये इम्पोर्टेंट है, ये वाला 1 नंबर में आता है एग्ज़ाम में। फिर है आपके ये तंबू लगा हुआ आता है 13.2 में, ये वाला है आपके, ये 8th इम्पोर्टेंट है, ये कलमदान का आ जाए तो नहीं, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट ये वाला मिट्टी, मॉडल की मिट्टी द्वारा 24 सेंटीमीटर ऊंचा, ये मैंने यहाँ अभी क्वेश्चन करवाया था उसमें भी मैंने करवाया था। फिर है ये एग्जांपल, ये एग्जांपल, ये दोनों एग्जांपल बोर्ड में कई बार आ चुके हैं, राजस्थान बोर्ड वालों के लिए भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
ये जब पुरानी बुक है ना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, पुरानी बुक से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं तो इनको भी ज़्यादा ध्यान रखना आपको। ये है, ये वाला है, ये दोनों ही बोर्ड्स के लिए आए हुए हैं क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन नंबर 8। फिर है आपके ये वाला 13.4। 13.4 में से आपके जो आता है, एक तो है आपके ये वाला धातु की चादर का सबसे इम्पोर्टेंट, और ये CBSE के लिए आ सकता है इम्पोर्टेंट। सांख्यिकी में देखो आपके इम्पोर्टेंट है, इसमें राजस्थान बोर्ड में तो सब है, सब पर है, इसमें केवल ग्रुप वाले क्वेश्चन ही है, केवल ग्रुप वाले क्वेश्चन ही है। तो हाँ, राजस्थान बोर्ड में 6 नंबर का क्वेश्चन इसमें से आपके बन सकता है। कोई भी एक मीन मोड मीडियन ज्ञात करना, कैसा भी एक ग्रुप का क्वेश्चन आ जाए उस ग्रुप के क्वेश्चन से आपको मीन मोड मीडियन, समांतर माध्य, मध्य का बहुलक, तीनों ज्ञात करने आपको आने चाहिए। और जो बड़े क्वेश्चन बनते हैं 6 नंबर के, वो 6 नंबर क्वेश्चन बनता है आपके एक तो ये वाला, एक्स और वाई का मान क्या करना है हमें ज्ञात करना है, मध्य का दे रखी है, ग्रुप दे रखा है, और आपको याद करना है। ये इस राजस्थान बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है, ऐसे दिए हुए नहीं है क्वेश्चन ही, ये CBSE है, UP बोर्ड है, BR बोर्ड है, वहाँ काम का है। अगर वो नहीं आता है तो ये आ जाएगा, सेम क्वेश्चन है, एक्स वाई याद करना है। फिर अगर कोई ये ऐसा क्वेश्चन है CBSE बोर्ड के लिए, फिर ये ग्राफ बनाना, बहुत कम चांस है, रेयर चांस है आ जाए, अभी तक हमारे यहाँ तो आया नहीं, UP BR में पता नहीं आते हैं कि नहीं आते हैं। तो ये वक्र आपको बनाना आना चाहिए लाइन ऐसी करते हुए, उसके लिए आपको CF ज्ञात करनी पड़ती है, फिर ये लाइन बनती है, ग्राफ बनता है, तोरण खींचते हैं तोरण। अब प्रायिकता के अंदर छोटा क्वेश्चन, ये सबके लिए इम्पोर्टेंट है, तो प्रायिकता के अंदर आपके एग्जाम्पल छोटे क्वेश्चन आते हैं ना, वो ये रहा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, लाल गेंद है, पीली गेंद है, हरी गेंद है, ये वाला, और ये क्वेश्चन है छोटा 1 नंबर का, टास का है, एक का आने की प्रायिकता और एक का नहीं आने की प्रायिकता। जो छोटा क्वेश्चन बनता है आपके, छोटा क्वेश्चन बनेगा एक तो ये वाला, इनमें से कोई भी एक क्वेश्चन आ जाए कि PE और P नहीं कितना होता है, एक घटना घटित होती है उसे कहते हैं संभव घटना, जो घटना घटित करना या जीरो है घटना इसकी होता है, असंभव घटना, संभव घटना ऐसा आता है, सभी योग कितना होता है एक, ऐसा प्रायिकता कितनी होती है, 0 से बड़ी या उसके बराबर, और एक के 1 से छोटी या उसके बराबर होती है। अब प्रायिकता अंदर देखो, एक तो ये छोटा क्वेश्चन 1 नंबर का, पी दे रखा है नहीं ज्ञात करना, केवल इसको एक में से माइनस करना है, 0.95 हो जाएगा। फिर ये दोनों विद्यार्थियों का जन्मदिन एक दिन आए, ये छोटा क्वेश्चन 3 नंबर में, ये सब एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट, ये वाला देखो इजी क्वेश्चन है, मैंने समझाया हुआ है कम्प्लीटली, आप देख सकते, ये पासे का क्वेश्चन, इन तीनों में से कोई एक से पूछते हैं 1 नंबर का, ये ताश का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ताश का आता है। फिर ये बार अच्छे पेन ख़राब पेन ये बोर्ड में आया हुआ है कई बार, राजस्थान बोर्ड का। फिर ये पेटी का डिस्क का पूर्ण संख्या, 5 से 22 संख्या, 2 अंकों की संख्या सबसे इम्पोर्टेंट। फिर इसके अंदर तो ये वाला बॉल पेन का है, खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे प्रायिकता ज्ञात करनी। फिर ये बाकी अभी तो खास है नहीं, बाकी ये उदाहरण है, उदाहरण नंबर 13, योग 13 है नहीं है, इसके लिए आपको ये वाला बनाना पड़ेगा, समझाया हुआ है, वीडियो बनाए हुए हैं। ये सब अगर आपको आते हैं तो आपको कहीं डरने की ज़रूरत नहीं, आराम से इजीली अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हो। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, धन्यवाद।